अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। चले नाज़रीन, हम आपको दही फुल्कियों की रेसिपी बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या डालते हैं। ये एक बाउल दही फुल्कियाँ हैं, ये रेडीमेड है, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ये देखिए, मैंने पानी बॉयल किया, फिर मैंने जब पानी बॉयल हो गया चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने इसमें एक पैकेट ये डाल दिया, फिर ये 5 मिनट तक उसमें मैंने डिप करके रखा। उसके बाद जब ये नरम हो गई तो मैंने इसको छान लिया। 1 कप मायोनीज है, 2 छोटे प्याज हैं और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर है, ये टेस्ट के मुताबिक है, ये टेस्ट लाती है चीनी इसके अंदर। 1 टेबलस्पून चाट मसाला है और 1 कप इसमें क्रीम है और 1 कप ये खीरा है इसमें। और ये हरी चटनी है, ये हमने डेकोरेशन के लिए बनानी है। जैसे हरी चटनी आप लोग घर में बनाते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और थोड़ी सी दही डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। चलें अब हम शुरू करते हैं। और ये 1 किलो दही है, ये दही गाढ़ी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया और उसको मैंने मिक्स कर लिया। और ये 3 दरमियाने आलू हैं जो कि हम दही फुल्कियों में डालेंगे। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 1 किलो दही थी, मैंने इसमें पानी थोड़ा डाला, दही गाढ़ी थी। हल्का सा इसको आप पतला कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद जो हम इसमें डालेंगे वो है चीनी। इसके बाद इसमें ये 1 कप क्रीम जाएगी। ये क्रीम को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया। ये ख्याल रखिएगा कि ये मतलब रोड़ी ना बने, इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। इसके बाद हम डालेंगे 1 कप मायोनीज। नाज़रीन, ये हमने क्रीम और मायोनीज और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, वो हसबे जायका है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसको हमने मिक्स कर लिया। हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसके बाद हम डालेंगे 1 कप प्याज, खीरा, ये 3 अदद जो आलू थे वो डालेंगे। इसके बाद ये जो आखिरी चीज है इसमें, ये हम फुल्कियां डालेंगे। आखिर में ये जो मैंने आपको चटनी बताई थी, हरी चटनी, कि मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं डेकोरेट करूंगी, इसको हम यूं अपनी मर्जी से आप कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगता है। माशाल्लाह से स्पेशल दही फुल्कियां तैयार हो गई हैं, तो जरूर आप ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें।